अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप लेकर आ रही हूं। अगर पिक्चर्स में आपके टीथ येलो आते हैं और अगर ओरिजिनली येलो हैं तो फिर आपको डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर पिक्चर में है तो फिर आप फोटोशॉप पे कैसे इनको वाइट कर सकते हैं। तो आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेयर पैनल खोल रही हूँ, F7 मैंने प्रेस किया है, नहीं तो विंडोज़ में जाके आप लेयर पैनल F7 पर जाके खोल सकते हैं। और इसको खोलने के बाद, क्योंकि हम ओरिजिनल बचाना चाहते हैं ताकि आपको दिखा सकें फ़र्क, तो इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, यानी कि कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस किया, डुप्लीकेट आ गई है। उसके बाद हमने पॉलीगोनल टूल ले लिया, 1.5 पिक्सल्स हैं, यानी फैदर मैंने कितनी रखी हुई है, 1.5 रखी हुई है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। और लिखने के बाद हम पहले एक दफ़ा मूव टूल लेते हैं और फिर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। उसके बाद हमने सिलेक्शन बनानी है, मतलब ऐसे कि बस ये टीथ जो है ना इसके अंदर कवर अप हो जाए। आप सिलेक्शन के लिए लासो टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो पॉलीगोनल टूल से हम सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये टीथ कंप्लीट इसके अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। और ये मैं एक रैंडम सी सिलेक्शन बना रही हूँ, बहुत परफेक्शन के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो ऑप्शन है वो खुद ब खुद इसको कवर करेगा, ठीक है। ये टीथ बस इसके अंदर मैं ले रही हूँ और सिलेक्शन मैंने स्टार्ट, मतलब जहाँ करी है वहीं जाके मुझे इसको एंड भी करना है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैं वहाँ तक लेके जा रही हूँ। और ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच गया, सिलेक्शन कम्प्लीट हो गई है। उसके बाद हम जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। ये देखिएगा कंट्रोल यूज़ का शॉर्टकट है, ठीक है। और मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, बस थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ मास्टर लिखा हुआ है, आप इसको खोल के येलो पे क्लिक कर दें और येलो पे क्लिक करने के बाद सैचुरेशन को आप कर दें बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ -100 और लाइटनेस को 100+ पे कर दें। बस इतना सा काम करना है और देन ओके कर दें और कंट्रोल डी। अब अगर आप आइस ऑफ करके देखें, ये देखें येलो टीथ थे और ये देखें कितने फाइन और प्यारे से टीथ हो चुके हैं। अच्छा जी, अब इसकी आइस देखते हैं, वो भी बेचारी की ख़राब हुई हुई है, मतलब येलो येलो सी हो रही है, तो इसको भी हमने ठीक करना पॉलीगोनल टूल सिलेक्शन के लिए। और यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाई, मतलब जो हिस्सा हमें चाहिए यहाँ पर हमें ये येलोनेस ख़त्म करनी है, उस तरफ जाके हम सिलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, अंदर के एरिया में। और इस तरीके से पॉलीगोनल ये कि थोड़ा हैंडल सफाई से जल्दी से हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम पॉलीगोनल टूल का इस्तेमाल करें, वरना सिलेक्शन के लिए आपका जो दिल करे वो टूल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करके। और ये मैंने सिलेक्शन बना दी, मूव टूल लिया और इस बार मैं शॉर्टकट से खोल रही हूँ, मतलब आपको याद हो गया होगा कंट्रोल यू। और ये हमारे पास आ गया, क्या करना था, येलो पे क्लिक करना था और सैचुरेशन को -100 पे लाना है और लाइटनेस को प्लस पे, और देन मैंने ओके कर दिया। और आपके कंट्रोल डी करके देखें और येलोनेस गायब हो गई। और आइस को अगर कोई कलर देना है तो फिर आप तब भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिलेक्शन बना लें जो टूल आपको बेहतर लगे उससे। आई बॉल की हम सिलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और मैं पॉलीगोनल टूल से ही बना रही हूँ, ठीक है। और बेक स्पेस है जो सिलेक्शन को रब भी कर देता है, अगर कहीं से ख़राब हो गई है तो आप बेक स्पेस प्रेस करें, सिलेक्शन को करेक्ट आप कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी सी करीब करीब बना लेते हैं, ठीक है। आप पेन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो सिलेक्शन के लिए, और बहुत सारे टूल्स हैं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से मिल जाना चाहिए और जो मिल चुका है, मूव टूल लिया, कंट्रोल यू प्रेस किया और यहाँ पर आके कलर आइस पे आप चेक लगाएंगे इस बार हम, ठीक है। और आपको किस कलर के लेंस अच्छे लग रहे हैं वो कलर आप यहाँ से देखें सेलेक्ट कर सकते हैं और कम ज़्यादा उसकी सेचुरेशन वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल डी, और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की आइस भी तैयार हो गई है। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।